Welcome students. Today we are going to start the chemistry section of class 10th. The unit with which we are going to start, that is chemical reactions and equations. It is the first unit of chemistry section of science of class 10th. It's chemical reactions and equations. And before starting chemical reactions and equations, we'll go to our previous knowledge of class 9th. वहाँ पे हमने सीखा था कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखी थी हमने जो नाइन्थ की केमिस्ट्री है उसमें हमने कुछ चीज़ें सीखी थी जैसे एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या चीज़ होता है, कंपाउंड क्या चीज़ होता है, मॉलिक्यूल क्या चीज़ होता है और उससे आगे भी कुछ चीज़ें सीखी है। ये चीज़ें केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें हमें ज़रूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है एक एटम क्या चीज़ होता है, ठीक है, व्हाट इज एन एटम। तो इन्हीं चीज़ों को हम समझेंगे, हम बुनियाद बनाएंगे, फिर केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे। एक एटम क्या चीज होता है, वहां पे आपको पता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वगैरह वो जो पढ़ा था आपने, कि फिर आपने एटम देखा था। व्हाट इज एन एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। डाल्टन ने कहा था एटम वो होता है इट्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन, इट इज इंडिविजिबल। लेकिन बाद में कहा गया था जो एटम होता है इट इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट तीन है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनको डिस्कवर किया गया था। तो इसलिए उसकी डेफिनेशन को चेंज किया गया, फिर इतना कहा गया कि एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी या नहीं भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है हाइड्रोजन, ठीक है, आपके पास है क्लोरीन, हाइड्रोजन एटम, क्लोरीन एटम, इसी तरीके से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसी तरीके से आपके पास है हीलियम, आपके पास है नियान, ये जो है हीलियम, नियान, इनको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन उनको नहीं है, ठीक है, ये हो गया एटम। उसके बाद आपने देखा एलिमेंट क्या चीज होता है, एलिमेंट ये होता है एक कोई सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स का बना हुआ होगा। अगर कोई चीज है आपके पास इसमें सिर्फ जो एटम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे लेकिन वो एटम्स सेम होंगे, तो इस ऐसे चीज को हम नाम देते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, एक ही किस्म के, एक ही काइंड के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वो एलिमेंट होता है, क्योंकि एक ही किस्म की एटम्स का बना हुआ होता है। एलिमेंट के बाद आपने एक चीज देखा वहां पे कंपाउंड, क्या नाम देखा, कंपाउंड, ये बहुत जरूरी है, कंपाउंड और मॉलिक्यूल। कंपाउंड क्या है, आपके पास एलिमेंट्स है, एलिमेंट जो है आपके पास 118 एलिमेंट्स अभी तक नोन है, आपके पीरियडिक टेबल आपके पास है 118 एलिमेंट्स आर नोन, लाइक हाइड्रोजन से स्टार्ट, ठीक है, और आगे फिर 118। कंपाउंड जो है, जब ये एलिमेंट्स हो, जो एलिमेंट्स होते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, क्यों कंबाइन होते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। ये कंबाइन हो जाते हैं लेकिन उनका जो मास होता है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा, एक फिक्स्ड रेशियो होता है उनके मास का। जब ये कंबाइन हो जाते हैं फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज अ। तो कंपाउंड कैसे बनता है, कंपाउंड वो चीज है जो एलिमेंट से बना है लेकिन जो एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको नाम हम देते हैं कंपाउंड। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्मड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ देयर मासेस, लाइक हमारे पास है वाटर, आपके पास जो घर में वाटर होता है ये तो आप जैसे होना, दैट इज H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन जो फार्मूला होगा वो हर वक्त दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम, फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मास, हाइड्रोजन का वन है दो H2O, एक हाइड्रोजन का वन होता है तो दो हाइड्रोजन का हो गया टू मास, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2:16, 2 1 = 2, 2 8 = 16, that's 1:8, 1:8, यानी जो वाटर होता है इट इज मेड अप ऑफ वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड एट पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। जब ऐसा होगा वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एट पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो वो वाटर बनाएंगे, ठीक है, ये फिक्स्ड रेशियो है। जहां से भी आप ये वाटर लाओगे, चाहे कश्मीर का वाटर हो, चाहे इंडिया का वाटर हो, चाहे अमेरिका का वाटर हो, जहां चाहे आसमान से पानी आए या जमीन से पानी आए, उसमें हर वक्त जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दैट विल बी 1:8, यानी वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एट पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ मास में जब एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो वो कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद है मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर और एनी कंपाउंड व्हिच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, व्हिच हैज अ फिजिकल
which has independent existence, which has independent, जो independent अलग से exist हो सकता है, independent का मतलब होगा जो अलग से exist होगा. For example, आपके पास है water molecule, water, water compound है. You have one glass of water, एक गिलास आपके पास वाटर है, ठीक है. तो एक गिलास में वो वाटर है, H2O है, लेकिन वो सिर्फ एक H2O नहीं है, उसमें मिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स है. वाटर हो गए H2O, जो वाटर है उसका फॉर्मूला H2O, लेकिन H2O का मतलब हो गया वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. इसी तरीके से आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, तो ये हो गया वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फिर कितने होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, वो सामने रख देंगे हम. ओके, तो व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और अ कंपाउंड विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो अलग से एग्जिस्ट होगा. एटम अलग से एग्जिस्ट नहीं होता है, लेकिन मॉलिक्यूल होता है. तो मॉलिक्यूल कंपाउंड्स का भी होगा और मॉलिक्यूल एलिमेंट्स का भी होगा. जैसे आपके पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट, वो एग्जिस्ट एच नहीं करता है, कभी नहीं आपको एच मिलेगा, अनस्टेबल होता है. आपको हर वक्त जो मिलेगा दैट विल बी H2, दैट विल बी H हो गया हाइड्रोजन एटम, H2 हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है. वाटर का हो गया H2O, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है. बात समझ आई? तो मॉलिक्यूल्स आपको होमोजेनस भी हो सकते हैं, ये हेटेरोजेनस. होमोजेनस जब एक ही किस्म का बना होगा, हेटेरोजेनस जब बहुत सारों का बना हुआ होगा. और ये बात भी कि मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक वगैरह वो आपने पढ़ा है. तो आपको समझ आया एटम क्या चीज होता है, एलिमेंट क्या चीज होता है, कंपाउंड क्या चीज होता है, मॉलिक्यूल क्या चीज होता है, ठीक है. कंपाउंड मेनली है कि कंपाउंड जो है इट इज फॉर्मड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस. तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस से ये एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम आगे नाम देंगे केमिकल रिएक्शंस. होप यहां तक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा. एक और चीज है इसमें, जो ये एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, HYDROGEN, हाइड्रोजन हो गया एलिमेंट. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसकी शॉर्ट फॉर्म से, दैट इज H. जो ये शॉर्ट फॉर्म है किसी भी एलिमेंट का, जैसे ऑक्सीजन O, ओके. जो शॉर्ट फॉर्म है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम नाम देते हैं केमिकल सिंबल. क्या नाम देते हैं? केमिकल सिंबल. क्या नाम देते हैं? केमिकल सिंबल. तो व्हाट इज केमिकल सिंबल? केमिकल सिंबल इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट. शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज अ केमिकल सिंबल. व्हाट इज अ केमिकल सिंबल? इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट. जैसे हाइड्रोजन का है H, ऑक्सीजन का है O, फ्लोरीन का हो गया F, हो गया फ्लोरीन, N हो गया नाइट्रोजन, Na हो गया सोडियम वगैरह. 118 एलिमेंट जो आपके पास है उनका अपना अपना एक सिंबल होता है, वो आपको याद करना है. हाइड्रोजन से लेके जो भी एलिमेंट्स आपके पास है, कोशिश कीजिएगा उनके जो सिंबल्स है वो उनको याद रखिएगा. ओके, एक और चीज होता है कंपाउंड में, जो कंपाउंड की शॉर्ट फॉर्म होती है, जो कंपाउंड क्या होता है, इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट. जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा, वो क्या बनाएंगे? H2O, ठीक है. वो आगे हम देखेंगे ये केमिकल रिएक्शन होती है. तो कंपाउंड क्या आपके पास है? वाटर, वाटर एक कंपाउंड है. आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये छोटे कंपाउंड्स है, ये भी कंपाउंड है. जो वाटर का इसको हम अगर लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म है, उसका फॉर्मूला है H2O, ऐसे लिखना होता है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या? CO2. ओके, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, یس ماربل یتھ ونان یا اس چون یا اس چاک یم سی لکھان بورڈس پہ دیٹ CaCO3 کیلشیم کاربونیٹ اوکے یہ آپ کو فارمولا ہے ان کو کہتے ہیں جو شارٹ فارم ہوتے ہیں کمپاؤنڈس کے ان کو نام دیتے ہیں کیمیکل فارمولا کیا نام دیتے ہیں کیمیکل فارمولا واٹ از دا نیم کیمیکل فارمولا کیمیکل فارمولا کیا ہوگا اٹ از اے شارٹ فارم آف A compound, the shorthand representation of a compound that is called as chemical formula. Jaise chemical formula of water is H2O, chemical formula of carbon dioxide is CO2, chemical formula of carbon calcium carbonate that is CaCO3. Isi tarike se bahut sare compounds hai, hundreds of millions of compounds hai aur unki apni apni formula hoti hai, that is chemical formula. To aapke paas kya kya aaya? Ek atom bhi aapne samajh liya, element bhi samajh liya, compound bhi samajh liya, molecule bhi samajh liya,
इसी तरीके से केमिकल सिंबल भी समझ लिया और केमिकल फार्मूला भी समझ गए। केमिकल सिंबल हो गया शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, और केमिकल फार्मूला का मतलब हो गया शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड। ओके, ये चीजें आपने समझ ली। इसके बाद आप ये याद रखना, फार्मूला वगैरह आपने सीखा है वो कैसे बनाते हैं, लेकिन आगे मैं दोबारा बोलूंगा ये कि फार्मूला कैसे बनाते हैं, डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी। वो हम आगे जब वैलेंसी पढ़ाएंगे तो मैं समझाऊंगा आपको, सिर्फ एक सेकंड में किसी भी कंपाउंड का फार्मूला आराम से बना सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा। नाइन्थ में आपने समझाया लेकिन मैं दोबारा वो समझाऊंगा। लेकिन केमिकल फार्मूला, ये केमिकल सिंबल जो है ये आपको याद रखने के पड़ेंगे, जो भी एलिमेंट आपका है उसका केमिकल सिंबल याद रखना है। तो अब ये चीजें सीखने के बाद अब हम डायरेक्ट आएंगे केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है। वो जो केमिकल रिएक्शंस क्या चीज होता है, केमिकल रिएक्शन क्यों हुआ, क्यों टेक प्लेस करती है, क्यों होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, हमें क्या फायदा है केमिकल रिएक्शन से मिलता है, फिर उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इसके टाइप्स कितने हैं, फिर उन टाइप्स को अलग अलग से पढ़ेंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।